सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। दूसरों की परेशानी का आनंद ना लें, कहीं भगवान आपको वही गिफ्ट ना कर दे, क्योंकि भगवान वही देता है जिसमें आपको आनंद मिलता है। अलार्म से इंसान नहीं जागता, उसकी जिम्मेदारियां उसे जगाती हैं। जिंदगी में सबसे बड़ा धनवान वो इंसान होता है जो दूसरों को अपनी मुस्कुराहट देकर उनका दिल जीत लेता है। आज का पंचांग 25 जून 2022 दिन शनिवार, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि रात्रि 1:10 तक रहेगी। इसके उपरांत त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। भरणी नामक नक्षत्र सुबह 10:24 तक रहेगी। इसके उपरांत कृतिका नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:08 से 10:48 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:02 से 12:56 तक रहेगा। आज चंद्रमा मेष राशि पर शाम 5:02 तक रहेगी। इसके उपरांत वृषभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मिथुन राशि पर रहेंगी। सिंह राशि 25 जून 2022 दिन शनिवार, आज अब बहुत जल्दी में है आपको अपने सब कामों को निपटाने की गति जरा धीमी करनी होगी, क्योंकि जल्दी से काम निपटाने के चक्कर में आपसे गलतियां हो सकती है, इसीलिए धीमे चलें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप क्या कह और कर रहे हैं। आपको अपने काम को संतोषजनक ढंग से पूरा करने के लिए सभी बारीकियों पर ध्यान देने की भी जरूरत है। किसी नई तकनीकी जानकारी से मिलने से कई समस्याओं का समाधान मिलेगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ सुख सुविधाओं संबंधित शॉपिंग करने में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। खर्चा ज्यादा होगा लेकिन सभी की खुशी के आगे उसका मलाल नहीं रहेगा। परिवार के लोगों से प्राप्त हो रहे साथ की वजह से आर्थिक समस्या दूर हो सकती है। अपनी जिम्मेदारियों को समझकर उन्हें ठीक से निभाने की कोशिश करें। परिवार के लोगों के साथ समय बिताएंगे तो अकेलापन दूर हो सकता है। मित्रों के साथ समय बिताने का मौका प्राप्त हो सकता है। जिस प्रकार से आप बात रखेंगे उसी प्रकार से क्लाइंट का बर्ताव आपके साथ रहेगा। पति पत्नी किसी भी प्रकार का निर्णय लेने से पहले एक दूसरे से चर्चा जरूर करें। बदलते वातावरण की वजह से सर्दी खांसी की समस्या हो सकती है। सावधानियां, कभी कभी आपके विचारों की संकीर्णता पारिवारिक लोगों को परेशान कर सकती है। समय के साथ अपने स्वभाव को भी बदलना अति आवश्यक है। बच्चों को मनोरंजन के साथ साथ अपनी शिक्षा पर भी ध्यान देना आवश्यक है। बात करते हैं लव लाइफ की। पारिवारिक वातावरण सुकून भरा और खुशनुमा रहेगा। प्रेम प्रसंग में निकटता भी बढ़ेगी। अच्छा, आपको अपने पार्टनर से बात करने के लिए काफी धीरज की जरूरत होगी। बहुत सारे मुद्दों पर बात ना करें, क्योंकि इससे आपके संबंध की शांति भंग हो सकती है। यहाँ तक कि बहुत छोटे छोटे असहमतियाँ भी गंभीर विवादों का रूप धारण कर सकती है। आज चुप रहना ही बेहतरीन उपाय होगा। शांति बनाए रखकर अपने संबंध की सहज शक्ति में विश्वास रखें। मुश्किल समय भी गुजर जाएगा। बात करते हैं करियर की। अब आपके करियर में कितनी बाधाएं आती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप उन सब बाधाओं को पार कर जाएंगे जैसे कि वो कभी थी ही नहीं। सफलता अब सहजता से आएगी, लेकिन आपको अति आत्मविश्वास की भावना से बचना होगा। आपको ये एहसास करने की जरूरत है कि भाग्य की भूमिका भी उतनी ही है जितने आपकी क्षमता, लेकिन ये जरूरी नहीं कि भाग्य हमेशा आपका साथ दे। व्यावसायिक मामलों में बड़ा फैसला लेते वक्त कन्फ्यूजन रहेगा। बेहतर होगा घर के अनुभवी इंसान की सलाह लें, समाधान मिलेगा। पार्टनरशिप का मन बना रही है तो तुरंत उस पर काम करें। बात करते हैं सेहत की। एलर्जी की वजह से जुकाम से परेशान रहेंगे, खराश भी हो सकती है, ध्यान रखें। आपको अपने भोजन में काफी परिवर्तन करने भी होंगे। अपने खाने में खूब सब्जियां, दूध और लीन प्रोटीन को शामिल करें, क्योंकि ये सब अच्छी सेहत के लिए बहुत जरूरी है।
आपको यह अनुभव होगा कि आप जिस तरह का गलत खाना खाते रहे हैं उससे आपकी सेहत प्रभावित हुई है। फिर भी खाने में इन बदलावों को लागू करना आपको योजना बनाने से भी कहीं अधिक मुश्किल लगेगा। अपनी सफलता की संभावना बढ़ाने के लिए किसी दोस्तों को अपनी योजना में शामिल कर ली। आज का उपाय, आज अब शनि भगवान जी के समक्ष दीपक जलाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।